हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यार दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। SGPGI नर्स भर्ती 2023 दोस्तों, SGPGI लखनऊ की तरफ से 1974 पदों पर नर्सिंग की परमानेंट भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में अभी अभी नई अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है, इस भर्ती पर रोक लग चुकी है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोर्ट का यहाँ पे आदेश भी आ चुका है। और इसके साथ ही दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ने दोस्तों 22 मई की डेट में एक नोटिस भी जारी कर दिया है। और कोर्ट का आदेश दोस्तों 3 मई को आने के बाद जो है इस भर्ती पर रोक लग चुकी है। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। भर्ती पर रोक लगने से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी, सर आप एक वीडियो बना दो। तो आज दोस्तों इस वीडियो के बारे में बता दें, इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, कोर्ट का जो आदेश उसको दिखाएंगे, और जो यहाँ पे महानिदेशालय ने नोटिस जारी किया है 22 मई की डेट में, उस नोटिस को भी दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में दिखाने वाले हैं। साथ ही SGPGI की तरफ से ये जो 1974 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में भी हम आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के लिए जानकारी देंगे, और फिर मैं आपको नोटिस दिखाऊँगा। आगे की प्रक्रिया क्या होगी इसकी भी जानकारी इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक ये छोटा वीडियो होगा, 8 मिनट की वीडियो में हम आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में देंगे। तो पूरा वीडियो यहाँ पे वॉच करिए, और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले SGPGI के रिक्रूटमेंट पेज पर, और वहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, SGPGI की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायबरेली रोड लखनऊ, पिन कोड है 226014, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, और सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, एप्लीकेशन ओपनिंग जो डेट थी ये 10 फरवरी 2023 रखी गई थी, क्लोजिंग डेट यहाँ पे 1 मार्च 2023 रखी गई थी। 12 मार्च को आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका था, और 22 मार्च को दोस्तों आपका एग्ज़ाम भी हो गया था। 22 मार्च को एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों फिर आपका ऑब्जेक्शन पोर्टल जो है लाइव किया गया था, और फिर आपका दोस्तों ग्रीवेंस पोर्टल जो है 23 मार्च को लाइव कर दिया गया था, और ग्रीवेंस पोर्टल की जो एंड डेट थी यह 26 मार्च 2023 रखी गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस भर्ती के बारे में। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग अपना फॉर्म जो है देखने वाले हो, तो लॉगिन करके जो है क्लिक हेयर टू लॉगिन रजिस्टर्ड यूजर, अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करके दोस्तों आपको यूजर ID सबसे पहले देना है, पासवर्ड देना है, इसके बाद दोस्तों कैप्चा कोड यहाँ पे देना है, और लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो, और भी आप लोग अपडेट देख सकते हो। यहाँ पर देखो कि इंग्लिश में आपको फुल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन को भी आप लोग देख लो। यहाँ पे देखिए, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश, CRT 10 फरवरी 2023 का डेट यहाँ पे मेंशन है। और इसमें देखोगे तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी, नोटिफिकेशन नंबर है I-75, स्टाफ नर्स की यह वैकेंसी है, और स्टाफ नर्स की 1974 वैकेंसी है, जिसमें UR कैटेगरी के लिए 790 वैकेंसी है, EWS के लिए 197 वैकेंसी है, OBC के लिए 533 वैकेंसी है, ST के लिए 39 वैकेंसी है, और SC के लिए 415 वैकेंसी है। नीचे आओगे तो कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है, और 20% महिलाओं के लिए भी वैकेंसी रिजर्व है, ये आप लोग देख लेना। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी है, तो UR कैटेगरी के लिए 1180 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज लिया गया था, OBC EWS के लिए 1180 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज लिया गया था, SC ST के लिए 708 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लिया गया था। नीचे आओगे तो ये 14 मेडिकल कॉलेज के लिए दोस्तों भर्ती निकाली गई थी, इस भर्ती पर फिलहाल रोक लग चुकी है, इस भर्ती पर जो कोर्ट केस हो चुका है, और कोर्ट केस के आदेश 3 मई को आने के बाद जो है फिलहाल इस भर्ती पर रोक लग चुकी है। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये भर्ती दोस्तों कैंसिल नहीं होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती 100% कम्प्लीट होगी। लेकिन अभी जो फिलहाल अभी तक अगर यहाँ पे कोर्ट केस नहीं हुआ होता तो दोस्तों इस भर्ती को कम्प्लीट कर दिया गया होता, और अब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल गई होती।
लेकिन अब 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, 6 से 1 साल भी लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती कैंसिल नहीं होगी, आपको तो ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ये टेंशन मत लो। बाकी देखिए I-75 नोटिफिकेशन नंबर है नर्सिंग, इसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग को मौका दिया गया था, इसके अलावा GNM को भी मौका दिया गया था, ये लोग यहाँ पर फॉर्म को भर पाए थे। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कोर्ट आदेश के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोर्ट केस हो चुका था और कोर्ट केस के आदेश के बाद ही दोस्तों यहाँ पे जो है महानिदेशालय ने नोटिस जारी किया और बताया है कि इस भर्ती पर फिलहाल जो है रोक लग चुकी है। जब तक यहाँ पे फाइनल कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है तब तक इस भर्ती पर फिलहाल रोक लगाई गई है। तो चलिए मैं कोर्ट का आदेश, जो कोर्ट ने आदेश किया है और महानिदेशालय ने जो यहाँ पे नोटिस जारी किया है, सबसे पहले मैं उस नोटिस को ही दिखाने वाला हूँ। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। चलिए मैं नोटिस दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये नोटिस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है महानिदेशक, ये आप लोग देख सकते हो, महानिदेशक ने नोटिस जारी किया है और ऊपर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 22 मई 2023। नोटिस है दोस्तों रिट याचिका ए संख्या 5067/2023। ये दोस्तों कोर्ट केस याचिका संख्या है 5067/2023 ममता चौधरी व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य योजित की गई हैं। उक्त याचिका में दिनांक 3 मई 2023 को आदेश पारित किए गए हैं जिनका प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है। ये यहाँ पे कुछ रूल है और जिस रूल को फॉलो नहीं किया गया है उसकी वजह से दोस्तों आदेश जारी किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए आदेश जारी किया गया है और क्यों दोस्तों इस भर्ती पर रोक लगाई गई है, इसकी अलग एक स्पेशल वीडियो आएगी और छोटा सा वीडियो होगा, 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी। तो 3 मई को दोस्तों ये जो याचिका है इसमें दिनांक 3 मई को आदेश पारित किए गए हैं जिसके लिए कुछ यहाँ पर अंश किए गए, क्योंकि नीचे देखोगे तो बताया गया है कि उपयुक्त से स्पष्ट है कि SGPGI लखनऊ के विज्ञापन दिनांक 10 फरवरी 2023 के दौरान विज्ञापित 1974 स्टाफ नर्स के पदों पर अग्रिम आदेश जारी होने तक रोक लगा दी गई है। इन पदों पर जब भी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी तत्समय उसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी महानिदेशक। तो किस लिए यहाँ पे इस भर्ती पर रोक लगाई गई है इसकी अलग वीडियो आएगी, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, कल सुबह वीडियो मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।